अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन चैप्टर नंबर 44। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक 2 का चैप्टर 44। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे ऊपर लिखा हुआ है पैंथ। पैंथ मतलब के पेंट होता है वो, PINT पेंट, सिंपल पेंट। तो इसे हम पढ़ेंगे पैंथ छागोबल। तो छागोब का मतलब होता है वर्क। अल जोन सा ये ग्रामर है, ये अल ग्रामर आगे लगा हुआ। तो खेक करना, तो ये जो सा पूरा आ जाएगा हेक गो थाने का मतलब होता है कि रीजन। कहता है कि पेंट का जो काम करने की वजह से, इट्स बिकॉज आई पेंटेड, कहता है काम पेंट करने की वजह से जोन सा है वो, ये चैप्टर जो सा इसके रिलेटिंग है। तो स्टार्ट करते हैं जी आगे। ये जो बॉक्स है हक्सेप का मतलब होता है चैप्टर, मोक्सेप का मतलब होता है मकसद, चैप्टर का मकसद। छागोब जंग का मतलब होता है वर्क प्लेस, और हवान ग्योंग का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट। म्योसा हागी का मतलब होता है कि डिस्क्राइब। तो हो गया कि वर्क प्लेस जो इन्वायरमेंट होता है उसको डिस्क्राइब करा करना। और छोंगी का मतलब होता है कि अरेंजमेंट करना, मतलब तरतीब देना। और छोंगदोन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन। और मल हागी टॉक वगैरह करना, तो कहता है टू टॉक अबाउट उसकी अरेंजमेंट वगैरह की और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत करने हैं। मूनफॉप ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे खो दानियो और आजीदा और ओजीदा, ये ग्रामर पढ़ेंगे। और भी वोकैबरी में आज हम पढ़ेंगे छागोब जंग मीन के हो गया आपका वर्क प्लेस, वर्क वगैरह वाली जगह, वानगोंग इन्वायरमेंट, वर्क रूम इन्वायरमेंट हो गया, और फेगी मुलगुआ, छोंगरी थोगू, मीन के हो गया आपका के इसका मतलब होता है टूल्स, आपके जो टूल्स वगैरह होते हैं वो, छोंगरी अरेंजमेंट करना। और ये जो सा है ये आपका हो गया वेस्ट एंड स्टोरेज वगैरह जो सा होता है वो हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया। तो छोंगरी जो सा होता है वो अरेंजमेंट हो गया, और टूल्स के उसकी वेस्ट मटेरियल की जो अरेंजमेंट वगैरह करके जो सा होता है उसके टूल्स वगैरह। तो आगे जो सा है छोंगदो का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन, मुनवा कल्चर। तो छागोब का मतलब वही हो गया क्या कहते हैं वर्क हो गया, थोगू का मतलब हो गया कि टूल्स हो गया, छोंगड़ी का अरेंजमेंट हो गया, और छोंगदोन का मतलब हो गया क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होगा अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग टूल्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। तो थेवा वन देखते हैं जी। थेवा वन में ये पीक डिस्क्राइब कर रही है एक सिचुएशन को कि ये कमरे में जो सा है ये कलर पेंट के डब्बे बिखरे पड़े हैं, काफ़ी मैसी बिखरा हुआ सामान है। तो इसको जो सा सबसे पहले तो जो सा है इसका ट्रैक सुनते हैं, देन इसकी जो सी कंजर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। 44과 페인트 작업을 했거든요. 대화 1. 리안 씨, 무슨 냄새 나지 않아요? 작업장도 아주 엉망이고요. 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리안 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못 쓸 수도 있거든요. 네, 제가 얼른 치울게요. 여기서 말하는 오, 익스프레션 말하는 리한 씨, 리한 씨, 무슨 कहता है कि क्या नेम से का मतलब हो गया कि स्मेल नाजी, ये है नेगेटिव वेब का एक जस्ट एक्सप्रेशन है। तो अनहा जो उनसे है वो आ जाएगा आगे, अनहायो नहीं, कहता है कि रिहान साहब क्या स्मेल नहीं आया क्या, तो वो इस तरह है नेगेटिव वेब में पूछ रहा है। कहता है छागोब छंदो, कहता है वर्क प्लेस आजू बहुत ज़्यादा ओंगमंग, आगे ई गो यो जस्ट ग्रामर है, तो ओंगमंग मैसी गंदी, कहता है कि वर्क प्लेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो सी है वो गंदी हुई है। तो रिहान कहता है ओजे यस्टरडे, नत का मतलब होता है रात, लेट लेट तो देर होने तक। तो आगे जो सा है गेव ग्रामर है, काजी भी ग्रामर है, ये काजी हो गया रात तक, कहता है यस्टरडे रात तक फेंथ पेंट वगैरह, छागोप वर्क, और हेतगो थानियो
करने की वजह से। कहता है जी हाँ, रात को जो है वो देर तक जो है वो पेंट वगैरह करने की वजह से करता रहूं। तो आगे नोमू का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा, नथ लेट ओसो ग्रामर होगी। तो वर्ड पूरा वैसे बन जाएगा ग्रामर के साथ अटैच करेंगे तो नाजोसो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेट। और छोंगड़ी का मतलब हो गया, छोंगड़ी मीन हो गया अरेंजमेंट, और रल जो है वो ग्रामर आ जाएगा छोंगड़ी रल। हा का मतलब हो गया करना, नादो का मतलब हो गया कि डू, और ये ग्रामर होगी। तो मौत का मतलब हो गया कैन नॉट, हागो एंड जोन सा है वो थ्वेगन, हिस्सो यो का मतलब हो गया गोइंग होम फ्रॉम वर्क, मीन के थ्वेगन का मतलब था छुट्टी के बाद का टाइम। तो कहता कि रात को, कल रात को लेट पेंट का काम करने की वजह करता रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा लेट होने की वजह से अरेंजमेंट जो है वो मैं नहीं कर सका, और जो सा है वो घर चला गया था। तो आगे वो कहता है इल वर्क हो गया, तो शीजक का मतलब हो गया स्टार्ट हो गया, तो काम स्टार्ट होने पहले, तो इसका मतलब हो गया हवान फोंगी के वेंटिलेटर, फेंटर वेंटिलेटर हो गया। और थोलियो सो जाकर, तो वेंटिलेट आगे दोबारा जो सा हवान गी पूथो, वेंटिलेशन से, पूथो का मतलब होता है से। तो हे या खेसो यो हो गया डू शुल्ड, इंग्लिश में जो डू शुल्ड होना करना चाहिए। कहता है कि का इल का मतलब दिन भी होता है, इधर इल का मतलब काम भी है। तो ये आपको जो सा है ये हर वर्ड के अंदर, जब लाइन के अंदर जो वर्ड फिक्स आ रहा होगा आपको वहां से जज करना होगा। तो कहता है काम स्टार्ट करने से पहले जो सा है मैं वो वेंटिलेटर वगैरह ऑन करके, जो वेंटिलेट से जो सा है पहले जो सा है वेंटिलेट जो सा है उसे हमने स्टार्ट करना चाहिए काम करने से पहले। तो आगे वो कहता है रिहान शिनन, रिहान साहब छागो जो सा है, रिहान साहब वर्किंग, और थोगू टूल्स, वर्किंग टूल्स जो से हैं मोन्जो पहले बिफोर, छोंगड़ी जो सा है अरेंज, छुसेयो प्लीज। कहता है कि रिहान साहब प्लीज जो सा है वो वर्किंग टूल्स को जो सी है उनको अरेंज कर दें, अरेंज करके रख दें। तो कहता है छागो वर्क हो गया, थोगू टूल्स हो गए, नन ग्रामर हो गया, सा यूज हो गया, गो ग्रामर हो गया, नासो जो सा है ये ग्रामर है। बट ये ग्रामर कैसे है कि ये ग्रामर ऐसी है कि ये यू इज यूज दे पुट टू, क्या कहते हैं, इवेंट्स इन सीक्वेंस, मतलब कि दो काम एक सीक्वेंस में जो से हैं वो आप रख दें तो वो चीज इस तरह कहलाई जाती है। तो कहता है कि जी वर्क टूल जो से हैं वो यूज करके सीक्वेंस में जो से हैं जल्दी से फाड़ो, फाड़ो फाड़ो मीन इमिडिएटली, छोंगड़ी अरेंज हा करना, और ये आगे जो सा है हे ओ या आ गया, तो ये हो गया अरेंज शुड, हे ओ करना चाहिए। कहते हैं कि वर्क टूल्स को जो सा है इस्तेमाल करके हमें जल्दी से जो सा है अरेंज वगैरह कर देना चाहिए। कहता है अन नहीं, खड़ो मियोन देन फिर, अगर नाजुंग का मतलब होगा लेटर, मौत कैन नॉट सल इस्तेमाल, और सुदो इत गो थानियो ग्रामर होगी। कहता है नहीं तो बाद में अगर आप जो है इसे दोबारा इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकेंगे। कहता है कि अगर आप काम करने के बाद जो सा है उसको इमीडिएटली अगर उसकी अरेंजमेंट वगैरह साफ सुथरा करके नहीं रखेंगे तो बाद में वो टूल्स वगैरह आप जो से है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रिहान कहता है ने जी छेगा आई ओलन, ओलन होता क्विकली जल्दी से, छिंगे यो टू क्लीन अप। कहता है जी मैं जल्दी से जो सा है वो स्वाइप वगैरह कर देता हूँ। तो नेक्स्ट जी नेक्स्ट आ जाते हैं OV1 में जो सा है आज हम पढ़ेंगे छागुप जंग हो गया कि वो वर्क रूम वगैरह, और हवान गेम का मतलब हो गया वर्क इन्वायरमेंट। तो थारोप दा डर्टी हो गया, कमरा बहुत गंदा है, खेखा था दा नीट एंड क्लीन है, और ओमंगी दा मैसी है, मैसी मीन गंदा नहीं होता, ये गंदा है, दोबारा गंदी जाले लगे हुए ये बस बिखरा हुआ सामान जो होता है वो होता है। और छोंगड़ी का छल थ्वे थ्वेयो इतना, मतलब के वेल अरेंज चीजें जो सी हैं वो हर जगह प्रॉपर अपनी जगह पे पड़ी हुई हैं। तो नेम से गा, और शिम हदा का मतलब होता है स्मेली, काफी स्मेल आ रही है, सोम सोमी शिम हदा मीन के काफी नोइसी है, शोर शराबेल है। तो फिर आगे जो सा लिखा हुआ है ख्वे जो हदा प्लेजेंट है, काफी खुशगवार है। तो थोड़ी देर टू थ्रो वे हो गया, तो
तो नेक्स्ट जो सी है वो आ गया छियू दा टू क्लीन अप, चुंगड़ी आदा टू अरेंज करना, और हवानगी हदा टू वेंटिलेट, वेंटिलेट वगैरह करना, कमरे का हवादार खोल देना वगैरह, विंडोज वगैरह जो सी आ गई। अब नेक्स्ट आ गया जी मूनपोक वन। अब मूनपोक वन में क्या करना है, ये जो ग्रामर है ना खोदानी हो, तो खोदानी हो का मतलब होता है कि ये किसी काम करने की रीजन को शो करता है, जस्ट काम करने की रीजन की वजह से जो होता है वो उसको शो करता है। लाइक फर्स्ट देखते हैं, वो कहता है छागो जंग के वर्क प्लेस ई जो सा ये ग्रामर आ गया छोंगमल रेली और खे जो हाने यो, कहता है वर्क जो सा वर्क प्लेस है वो रेली बहुत खुशगवार है। कहता है ने जी ओजोन ओजोन ए एम सुबह के टाइम छोंगसो रल सफाई हेत वो थाने हो, सफाई की थी। कहता है जी हाँ जो सुबह के टाइम सफाई की थी इस वजह से जो सा वो काफी प्लेजेंट है। दूसरे में कहता है वे क्यों इरोतगे इस तरह जो सा है नेम नेम सेगा का मतलब हो गया नेम सेगा शिम हेओ के स्मैली है। कहता है क्यों इस तरह के स्मैली है, कहता है छिगम अभी फेंथ पेंट वगैरह जो सा है छागो छागोबल वर्क हागो जो सा है वो की है और ये जो सा इत गो थानियों का हो गया ग्रामर हो गया। कहता है अभी जो सा पेंट किया इस वजह से जो सा वो स्मेली है। तो सोल शिकदंग का मतलब हो गया कि सोल रेस्टोरेंट छल अच्छा आसे हो मीन के छल आसे हो। कहता है सोल रेस्टोरेंट के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वो कहता है ने जी छाजू अक्सर खा इधर खा है ना खादा टू गो जाने आगे जो सा ग्रामर आ गई खो दाने हो जाने की वजह से। कहता जी हाँ अक्सर जाता रहता हूँ इस वजह से मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसने पूछा सियोल रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं, वो कहता जी हाँ मैं अक्सर जाता रहता हूँ तो इस वजह से आई नो बेटर। सो योनसा वन देखते हैं जी। योनसी वन में जो सा इसने कहा है कि कहता फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करें, तो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल हमने किस तरह करना है, इसने पहला दिया हुआ है सरेगी इधर दिया हुआ है, हमने आगे वर्ड जो है ये इधर से चूज करके हमने पुट कर देना है। तो इसी तरह हमने जो सा सरेगी गंध वगैरह को क्या करना चाहिए, उसने बताया जी टू थ्रो वगैरह फेंक देना चाहिए। तो फेंथ जो सा है थोंगल का मतलब था बकेट्स के पेंट बकेट्स जो डब्बे वगैरह हैं उसको क्या करना चाहिए, ये यहाँ से उठा के जो सा वर्ड मैंने लिख दिया हुआ है छिवो यो जो सा है दा खत्म कर देना और आगे ग्रामर लगा देंगे इसकी छोटी सी। तो ये जो सा है इधर आ जाएगा के पेंट वगैरह के जो सी बकेट्स वगैरह हैं उनको हमें क्लीन अप कर देना चाहिए। छागो का मतलब के वर्क टूल जो से ये वर्क टूल है तीसरे में इसे हमें जो सा छोंगड़ी अरेंज में अरेंज कर देना चाहिए। और जो सा ये है छांगुन का मतलब होता है दरवाजा, तो सॉरी विंडो होता है मूनहाली दरवाजा होता है छांगुन होता है विंडो। तो ये छांगुनल अल जो सा ग्रामर ऑब्जेक्ट मार्क कर ये जब लगेगा तो ये हो जाएगा छांगुनल विंडो। योल गो ओपन कहता है विंडो ओपन जो सी है उसे करके जो सा उससे क्या होगा ये वेंटिलेट का जो सा है हवान की हदा, तो वेंटिलेट हमें कर देना चाहिए ताकि हवा वगैरह जो सी है वो क्रॉसिंग वगैरह होती है। तो सेकंड वाला जी सेकंड में वो अब कहते हैं कि आपने कंप्लीट द कंजर्वेशन करनी है खालिम डायग्राम को देख के, ये जो खो दानी हो है ना ग्रामर का वर्ड सायोंग इस्तेमाल करके आपने कंप्लीट करनी है कंजर्वेशन को। अब ये दोनों जो से है वो क्या कर रहे हैं जी देखते हैं, इधर क्वेश्चन क्या है छागो जंगी आजू खेखा थाने हो, कहता है वर्क प्लेस काफी साफ सुथरी है, कहता है खोड़ो जियो, कहता है राइट सच में ओजे यस्टरडे आगे हमने लगा देने छी वो खो थाने हो। तो जो सा वर्ड आ गया छी वो खो थाने हो जो सा है आ गया के टू क्लीन अप, ये क्लीन अप था ना ये वाला वर्ड छीव, तो इसी तरह ये वर्ड आगे लग गया तो ये बन जाएगा छी आगे जो सा है वो बन जाएगा छी वो खोथा नहीं हो मीन के सच में यस्टरडे जो सी कल कोई काली जो सी है वो सफाई वगैरह जो सी की थी इस वजह से जो सा वो उसने कहा था वर्क प्लेस बहुत ज्यादा जो सी साफ सुथरी है। तो दूसरे में कहता है फाके बाहर वे क्यों ईरोत के जो सी है ईरोत के लाइक दिस शिखे शिखा रो वो यो, तो शिखा रो वो यो मीन नोसी कहता बाहर जो सा है कहता बाहर क्यों इस तरह से जो सा वो ज्यादा शोर शराब है, वो कहता है छिगम नाओ कहता है इसका आगे हमने क्या करना है कंस्ट्रक्शन साइट बन गया, देखें ये वो क्रेन बनी है क्या सामान ऊपर रख दिया मशीन
बिल्डिंग बन गई, इसने कानों पे हाथ रखे और ये रीजन बता रहा है। कहता है छीगम इस वक्त खोंग सरल का मतलब था कंस्ट्रक्शन, हागो करना गो एंड इत गो थाने मीन के करने की वजह से, रीजन जो ग्रामर हमने यूज करनी है। कहता है बाहर कंस्ट्रक्शन साइट हो रही है, इस वजह से जो सा है ये शोर शराबा जो सा है बाहर है। तो थेवा टू आ गई जी, थेवा टू में जो सा है कि एक फार्म में है जहाँ पे काउस गाय वगैरह रखी हुई है, और ये जो सा है उसका फीसिस वगैरह लाइक गोबर वगैरह जो सा होता है तो वो जो सा है इधर पड़ा हुआ है। तो ये सफाई वगैरह करने लिए लोग हैं, तो क्या कंजर्वेशन कर रहे हैं, लेट्स सी। पहले इसका जो सा है ट्रैक सुनते हैं, तो देन जो सा है इसकी कंजर्वेशन की तरफ और ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। 대화 2. 매일 치워도 이렇게 분뇨가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지요? 좀 힘들기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님, 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 안 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 가셨어요. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. 또 여기 아프네 스카 존스 뭐 사운드 아프네 수나? 또 여기 뭐 갔다 매일 daily 치워도 사파이 클린 और इरोत के लाइक दिस, और फूनियो का फीसिस मीन के गोबर वगैरह हो गया, और जो सा है ये जो वर्ड है आगे आ गया सा, ये सत बनेगा बट आगे इयंग है तो ये खियत आगे चले जाएगा तो बन जाएगा सा ही निका मीन के जमा होना, तो जमा वगैरह हो जाना इसका मतलब ये होता है। और चियुगी का दोबारा क्लीन नोमू बहुत ज़्यादा हिमदल जियो, जो सा हिमदल का मतलब होता है मुश्किल, जियो कन्फर्मेशन वर्ड है। तो कहता है कि रोजाना जो सा सफाई हो जाए इस तरह तो ये जो सा फीसिस वगैरह गोबर वगैरह है वो जमा वगैरह हो जाए तो सफाई करना जो सा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता। जियो जो सा ये कन्फर्मेशन वर्ड है। तो इसी तरह वो कहता है आगे से वो रिप्लाई करती है छोम लिटल थोड़ा सा, हिमदल गिनन थोड़ा सा, हिमदल मुश्किल, गिनन ग्रामर आ गया। कहता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, हन थेओ हो जाता है खड़े दो बट, लेकिन हारू हारू रादो मीन के वन डे, हारू रादो एक दिन, अन नहीं, चियू म्योन सफाई अगर, नोमू बहुत ज्यादा, कौन सा है इस पूरे का मतलब हो गया मैसी और डर्टी, ये बन जाएगा आपका चीजो फुन हेजी छन हायो मीन के मैसी डर्टी। कहते हैं हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन हाँ, लेकिन हर रोज जो सा है एक दिन अगर नहीं सफाई वगैरह करते तो बहुत ज्यादा डर्टी वगैरह हो जाता है। कहते हैं माजा यो जी दुरुस्त कह रहे हैं राइट, फॉरन दे बाय द वे सामोनिम, अब सामोनिम का क्या मिस मैम हो गया, लेकिन कहते बाय द वे मैम, अब मैम कैसे पता चलेगा, नीम का वर्ड जो सा है रिस्पेक्टेड वर्ड है तो इट्स मीन निम जब भी कहीं भी आएगा तो वो सामो निम हो जाएगा, निम कोई रिस्पेक्टेड वर्ड होगा। कहता है बाय द वे मैम ओजे यस्टरडे फोनिका देखा था फुन्यो मीन के गोबर वगैरह जो सा होता है फीसिस वगैरह फोड़ी जो इधर फेंका हुआ था, खोद का मतलब रहने थिंग होता है लाइक थारन अदर चीजें दूसरी भी सारेगी दो, आल्सो गार्बेज आल्सो मन थान दे बहुत ज्यादा, थारो सेपरेट फुनड़ी हेसो सोर्ट आउट मतलब के सोर्ट आउट मीन अलग अलग हो जाए तो फोड़ियो या थ्रो शुड थ्रो हा करना और आगे जो सा है वो आनी ही हो नहीं। तो अब इस पूरी का लाइन पढ़ते हैं, कहता है जी ठीक कह रही हैं राइट, बाय द वे मैम यस्टरडे को देखा था कि जिधर फीसिस वगैरह फेंका हुआ था उधर दूसरा गार्बेज भी बहुत ज्यादा फेंका हुआ था, तो ये जो सा फीसिस वगैरह अगर आप
सेपरेट हो जाए, ये गंद सेपरेट करके फेंका जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो वो कहती है अन के अन खड़े दो, कहते हैं ऑलरेडी, इस कूड़े का मतलब होता है यस ऑलरेडी, साजंग नीम साजंग नीमी, ये अगर आगे ई जोन सा है वो वर्ड लग जाएगा तो ये साजंग नीमी हो जाएगा, अदर वर्ड जो सा है रियल वर्ड जो सा है वो साजंग नीम है। कहते हैं बोस जो से हैं वो फेगी मूल के डिस्पोजल, जो सा होता है डिस्पोजल वगैरह के लिए, छोड़ी हानन सॉरी, इसका मतलब होता है फेगी मूल का मतलब हो गया कि वेस्ट, और छोड़ी हानन डिस्पोज, कहते हैं वेस्ट मटेरियल डिस्पोज करने के लिए थे उन्हें, बिकॉज शीजोंग शीछोंग सिटी हॉल खादा जाना, आगे आ गया खासियो सोयो, खासियो सोयो वेंट गए थे। तो कहते हैं यस जो से है वो बोझ जो से है वो पहले ही वेस्ट मटेरियल का जो से डिस्पोजल के लिए उधर सिटी हॉल गए हुए हैं। तो आगे तो कहती है छोड़ी, छोड़ी मीन डिस्पोज, और फंग फोक का मतलब होता है मेथड, फंग बो बी ई, अगर ई के साथ अटैच कर देंगे तो बन जाएगा फंग बो बी, तो इसका हो गया मेथड। तो फंग बोक का मतलब हाल ही क्या होता है, फंग बोक का मेथड वे तरीका, कहते हैं कि डिस्पोजल का वे मेथड जो सो छोम थोड़ा, इसका मतलब होता है ये जो वर्ड है कादा, ये यहाँ से शुरू होता है लिखा हुआ है ये पूरा वर्ड कादा रो वोजियो सो कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से क्यों यू एजुकेशन फत गो रिसीव ओ कम ओशिमियोन कम वगैरह कम आकर फिर मालसम हासिल टू टेल स्पीक खोयो करेंगे। कहते हैं कि जो आपका मेथड है ना डिस्पोजिबल मेथड जो सा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से जो एजुकेशन रिसीव करने के लिए गए हुए हैं तो आके वो आपको जो सा इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो यहाँ पे हो गया इसकी न्यू वोकैबुलरी के वही ऊपर जो वर्ड्स हैं वो हमने पढ़े हैं। तो ओवी टू आ गया, ओवी टू में आज हम पढ़ेंगे फेगी मुलगुआ छोंगरी, आगे आ गया थोगू, कहता वेस्ट वेस्ट एंड स्टोरेज सप्लाईज वगैरह जो टूल्स वगैरह जो उसकी चीज़ें होती है वो आज हम पढ़ेंगे। तो फेगी मूल वेस्ट मैटर, तो वेस्ट मैटर हो गया कि जो चीज़ें बच जाती हैं वो हो गया, और फेसू वेस्ट वाटर जो कंपनी जो सी पानी में फेंक देती हैं, और फेयू वेस्ट ऑयल जो वो भी समुद्र वगैरह में फेंक देते हैं, फुनियो फीसिस वगैरह, और फेसोलमुल हो गया फेसोलमुल हो गया फीसिस एंड यूराइन वगैरह, तो गोबर वगैरह हो गया, तो फाजला वगैरह जो कहते हैं तो वो हो गया। आगे आ गया हवान फोंगी वेंटिलेट, वेंटिलेटर मीन के जो आपकी वेंटिलेटर होता है हवा वगैरह का जरिया होता है। तो आगे आ गया सोम सूड़े हैंड कार्ट हो गया, इसके आगे आ गया इल्यून इल्यूनछा हो गया व्हील बैरो, ये आप देख सकते हैं पीक में जो यहाँ से पकड़ के आगे चीज़ें इस पर लोड करके लेके जाते हैं, सादारी लैडर, लैडर मीन सीढ़ी हो गई, आगे जो सा है वो माथे बर्डलैप बैग हो गया, देन जो सा है फाकुनी बास्केट हो गया, फिनिलकन विनाइल स्ट्रैप्स हो गया। तो ये चीज़ें हो गई। तो आगे मुनफोप टू आ गया, मुनफोप टू में आज हम पढ़ेंगे कि मुनफोप टू में आजीदा और ओजीदा, कहते हैं कि ये गेटिंग्स कुछ चीज़, कहता किसी रीज़न की, किसी रीज़न की वजह से कुछ चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, कुछ ज़्यादा होने की ज़्यादा हो जाएं किसी रीज़न की वजह से, तो जो सा है ये आजीदा और ओजीदा यूज़ करते हैं। इसकी अब तफसील देखते हैं, कहता है आजीदा जो सा है वो एंड पे आ और ओ लग जाएगा तो आजीदा लगेगा, और ओजीदा जो सा है आ और ओ के आपके नहीं होगा तब, वर्ड के एंड पे आ और ओ नहीं होगा तब ओजीदा लगेगा। ये क्या कहता है उसको हम देखते हैं। तो ये पहले में कहता है म्योजिल, म्योजिल का मतलब फ्यू डेज, छोन फोदा बिफोर पहले की निस्बत, फोदा का मतलब होता है की निस्बत, यह ग्रामर भी है और फो का मतलब देखना भी होता है, बट इधर फोदा पहले कहता है कुछ दिनों पहले की निस्बत, फुनियों का फीसिस वगैरह जो सा गोबर वगैरह टाइप हो गया, छोंगमल रेली, और आगे मन मन हा छो सोयो, कहता है
I have a lower face than a few days ago. तो कहता है कुछ दिन पहले की निस्बत जो सा फेसिस वगैरह जो सा वो बहुत ज़्यादा हो गया. तो आगे कहता है खरोच्छो राइट फल्ली जल्दी से छीवो या खिसोयो. कहता है जल्दी से सफाई वगैरह हमें कर देनी चाहिए. वी शुड हैव टू क्लीन क्विकली. तो आगे मतलब कि वो चीज़ें ये जो सा ग्रामर ये जो सा आज इधर रोज इधर जो सा ये इधर लग जाएगा. तो ज़्यादा हो जाने की वजह से चीज़ें जो सी होती है वो है. तो हवान पुंगी का मतलब हो गया फैन वगैरह. खोची निका फिक्स्ड है उथे हो कैसा है. कहता है फैन वगैरह फिक्स्ड कैसा है. तो कहता है कि शिल ने इनडोर अंदर खोंगी हवा वगैरह. हवोल शिन का मतलब होता है मच तेज़ी से बहुत ज़्यादा. और खेखत हे छोसोयो क्लीन है. तो इसने पूछा कहता फैन को जो लगा हुआ है वो कैसा है. तो इसका मतलब है फिक्स्ड है का मतलब लगा हुआ. कहता फैन लगा हुआ है वो कैसा है. कहता है कि इनडोर की हवा बहुत क्लीन आ रही है. कहता है अंदर की आवाज़ों से वो बहुत ज़्यादा क्लीन है. कहता है इजे इजे मीन नाउ. आगे आ गया फोम का मतलब होता है स्प्रिंग. तो फोमी ने हो कहता है नाओ स्प्रिंग जो सा. कहता है अभी जो स्प्रिंग है स्प्रिंग का सीजन है. कहता खड़ो छो कहता राइट नलशी का वेदर मन ही बहुत ज़्यादा. थाथक हेत छो सो वार्म. कहता जी हाँ मौसम जो सा वो काफ़ी ज़्यादा जो सा वो वार्म है. तो यहाँ पे ये भी हो गया. देन आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट. आगे जी योनशिप टू आ गई. योनशिप टू में जस्ट हमने जो सा वो वर्ड्स हैं उनको हमने अटैच कर देना इसके साथ. तो पहला जो सा है ये पहला ये आ जाएगा दिगत के साथ लग जाएगा. वेस्ट वाटर वगैरह जो सा है ये फेसिस वगैरह जो सा है ये इसके साथ लग जाएगा. गियर के साथ वेंटिलेटर जो सा है ये रियल के साथ लग जाएगा. और जो ये सिदाड़ी है चेयर है ये इसके साथ नियन के साथ लग जाएगा. और जो ये जो सा विनाइल स्ट्रिप्स है ये जो सा ये इधर लग जाएगा. ठीक तो ये चीज़ हो गई. अब देखते हैं जी आगे इसका क्वेश्चन नंबर टू. अच्छा जी इधर आ गया आजीदा और ओजीदा. कहता है इसका इस्तेमाल जस्ट आपने सेंटेंस में करना है. तो इधर जो सा एडजस्ट करना क्या जी ये जो सा ये वर्ड है ये थोड़ो यहाँ तक लिख के तो ये फी एफ आपको पता है अगर ग्रामर नहीं पता मैं बता दूँ ये फी एफ खत्म होकर वो लग जाता है आगे. तो उसके आगे जो सा आपने आजीदा और ओजीदा जो सा लगा देना है. और इसमें कुछ भी नहीं करना उसने सिर्फ और सिर्फ हमसे ये मांगा हुआ है. इस तरह जो सा है ये वर्ड है इसको यहाँ से उठाना है यहाँ तक ये लिख के शिम हा तक ये आ गया यहाँ तक शिम हा तक आ गया. आगे आ गया छो सोयो जस्ट जो सा हमने वो ग्रामर लगा देना है. इसी तरह ये जो वर्ड है ये यहाँ तक जो सा ये वाला वर्ड है ये यहाँ पे उठा के यहाँ तक लगा देना है. ये फेजो हा हाँ तक लगा के बाद में जोन सा है आगे हमने जोन सा है जस्ट जस्ट ये आजीदा और ओजीदा जोन सा है वो लगा देना. इसमें कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है. देन जोन सा है ये हवालतों का हवालतों करते हैं. हवालतों का जी हवालतों कहते हैं कि ये उसने कुछ सेंटेंस बताए हुए हैं. तो कहते हैं कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन. मीन कि आप इन चीज़ों को पढ़ें और जवाब के आंसर दें. अब जवाब के हैं ये ऊपर लाइन्स हैं और नीचे उसने कहा है कि जी जो दुरुस्त है उस पे सर्कल पे टिक कर लें जो गलत है उस पे टिक कर लें. तो अब क्या कहते हैं वो देखते हैं. तो वो कहता है जी छोंगरी का मतलब हो गया कि ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज हो गया. छोंगदोन का मतलब छोंगरी का मीन हो गया अरेंज करना. और छोंगदोन का मतलब हो गया ऑर्गेनाइज करना. वे क्यों हे या शुल्ड हल्का यो हमें करना चाहिए क्या क्यों करना है. तो कहता है जो सा अरेंज करके ऑर्गेनाइज कर हमें क्यों करना चाहिए. तो वो अब कहता है इस पूरी लाइन का मतलब मूल गोन का मतलब हो गया कि थिंग्स हो गया. छंगसो का मतलब हो गया कि प्लेस हो गया आगे ग्रामर है छंगसो ही हो गया. तो नंग बी का मतलब होता है कि वेस्ट वगैरह वेस्ट जो चीज़ें होती हैं. और छुड़िल का मतलब हो गया कि रिड्यूस. सुनिदा का मतलब ये ग्रामर है. कहता है यू कैन रिड्यूस द वेस्ट ऑफ थिंग्स एंड प्लेसेस. कहता है आप
वेस्ट मटेरियल को जो है उसे कम कर सकते हैं। तो दूसरा कहता है कि अनजोन सागो, अनजोन होता है सेफ्टी बट अनजोन सागो होता है सेफ्टी एक्सीडेंट। और ये बंग का मतलब, ये बंग हल का मतलब प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन का बचना। तो सु इस सिमनिदा ग्रामर होगी, कर सकते हैं, ये कैन के तौर पे यूज होता है सु इस सिमनिदा। तो कहता है कि आप सेफ्टी कहता है कि आप सेफ्टी एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो तीसरे में कहता है खीगे मतलब मशीन हो गया, ओड़े थोंगन हो गया कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहता मशीन को ज्यादा देर तक छल अच्छी तरह सायोंग हल इस्तेमाल सु, आगे वही ग्रामर की सु कर सकते हैं, कहता मशीन को ज्यादा देर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चौथा जो कौन सा है ये, तो इसमें वो कहता है कि ये जो वर्ड है छे फूम अगर उई लगा देंगे तो बन जाएगा छे फूम उई। तो प्रोडक्ट की आगे आ गया फूम जीरी, मीन की प्रोडक्ट की क्वालिटी। और आगे जो सा है छोहा छिमनीदा गेट्स बेटर, कहता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो सी है उससे ज्यादा बेहतर हो जाती है। पांचवें में कहता है सेंसन मतलब के प्रोडक्शन वगैरह की वैरायटीज जो सी होती है, सेंसन का मतलब होता है प्रोडक्शन, सेंसन प्रोडक्शन फुम छोंगी मीन के वैरायटीज, कहता है प्रोडक्शन की वैरायटीज। आगे जो सा है फ्योन ग्योंग थवेल का मतलब होता है चेंज्ड थे तब तब जिया जब। आगे आ गया सोन शीरल के लोस, आगे आ गया छुड़िल रिड्यूस सुइसिमनिदा कैन, कहता प्रोडक्शन की जब आप वैरायटीज को चेंज वगैरह करते हैं लोस जो होता है वो रिड्यूस कम हो जाता है आपका लोस। तो छेवे में कहता है छल फोन, छल फोन का मतलब होता है कि हैप्पी छिकजंग वर्क प्लेस, वर्क हो गया हल जोम हानन डिवॉलप्ड, इसका मतलब डिवॉलप्ड। और आगे हवेसा का कंपनी हो गया, आगे जो सा ये थ्वेल सुसिमनिदा कैन, कहता है कि आप जो सा है वो खुशगवार वर्क वगैरह का जो सा वर्क प्लेस का माहौल है आप डिवेलप जो सा आप कंपनी में कर सकते हैं। तो ये उसने चार पांच छह चीजें उसने बताई थी। तो अब जो टिक किया उसे टिक करते हैं, जो क्रॉस है उसे क्रॉस करते हैं, अगर जो सही है उसे उसके सर्कल के ऊपर जो सा है आप टिक करते हैं, जो गलत है उसको क्या कहते हैं आपने कर देना जी क्रॉस के ऊपर कर देना। तो पहला जो सा इसका मैं पूरा पढ़ देता हूँ, इंग्लिश बता दूँ, कहता है कि अगर इफ गुड्स अरेंजमेंट कैन रिड्यूस सेफ्टी एक्सीडेंट्स, कहता है कि अगर आपकी अरेंजमेंट अच्छी है, चोंगड़ी अरेंजमेंट चाल अच्छी है, तो अन जो सागो सेफ्टी एक्सीडेंट जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये सही बात है, इस पे टिक कर लेंगे सर्कल के ऊपर, पहले का सर्कल के ऊपर। अब दूसरा आ जाए जी, दूसरे में वो कहता है कि इफ गुड्स ऑर्गेनाइज वेल यू कैन चेंज मशीनरी क्विकली, तो ये गलत है, कहता है कि अगर आप अच्छी तरह से अरेंजमेंट करते हैं मशीनरी की तो जल्दी से आपको चेंज करनी पड़ सकती है। बट चीज क्या है, अगर आप अरेंजमेंट अच्छी करते हैं तो मशीनरी ज्यादा देर तक चलती है। तो सेकंड वाले का जो है वो क्रॉस है। तो थर्ड वन कहता है कि इफ वेल ऑर्गेनाइज यू कैन वर्क मोर हैप्पीली इन योर कंपनी, मीन्स के छोंगड़ी मीन हो गया लाइक वही अरेंजमेंट हो गया चाल अच्छी तरह। तो कहता है कि आप हवेसा का मतलब कंपनी हो गया, एसो दो आगे जो सा वो ग्रामर हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि वर्क खुशगवार काम जो सा वो आप कर सकते हैं। तो ये उसने ठीक कहा था कि अरेंजमेंट वगैरह अच्छी करके जो सा आप अरेंजमेंट वगैरह अच्छी करके आप खुशगवार मोल का जो है काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। तो देन जो सा नेक्स्ट आगे है वो जस्ट इसका आ गया छोंबो आ गया। तो छोंबो में वो कहता है कि अरेंजिंग, कहता है अरेंजिंग वर्किंग टूल्स बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ यूजेज, कहता है कि जो चीज़ आपको बस चाहिए आप उसी का इस्तेमाल करें, दूसरी चीज़ों को जो है वो प्रोवाइड करें कि इस्तेमाल के करीब ना ले करें कि आपको इशू हो सकता है। तो ये दूसरे में कहते हैं कि ये जो आपका जो सा आपका सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो सी होती हैं वो आपको माननी पड़ेंगी, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग के टूल्स वगैरह होते हैं सबसे पहले उनको रिपेयर कर लें, इस्तेमाल करने से पहले चेक कर लें कहीं जो आपके टूल्स हैं वही तो नहीं टूटे हुए, ये ना थोड़ी है लाइक जो इसने इस तरह पकड़ी है कि आप उठाएं अब मारने के लिए आगे और ये थोड़ी गिरी आपके सर पे, इसका मतलब ये है कि अपने टूल्स को चेक कर लें कोई हल्का कोई ख़राब तो नहीं है टूल वगैरह।
तो ये चीज है। दूसरे इधर नीचे वो कहते हैं कि अपने जो सा अपनी अपने जो टूल्स वगैरह हैं उनको वेल ऑर्गेनाइज करके रखें अपने पास, जो उनसे अपने जो चीज की जिस टूल की जरूरत नहीं है वो अपने पास मत रखें, जो जस्ट की जरूरत जस्ट वो रखें। तो आगे कहता है कि जो इस्तेमाल वगैरह करने के बाद जो सा है आपके पास वो तरतीब से और साइज बाय साइज जो सा है आप दोबारा उसे स्टोर कर दें इस्तेमाल करने के बाद। तो यहाँ पे जो सा आता है लाइक, अगर अभी आप अभी तक आपने नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज़।